मैं कहाँ बैठा हूँ, अपने गार्बेज बिन के साथ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो यार, आज मैं रेगुलर व्लॉगिंग करने की सोच रहा था, पर मेरे को आइडिया नहीं मिल रहा था कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। बट देखते हैं, मेरे लैंडलॉर्ड्स मेरे लिए कोई काम छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो इंडिया गए हैं, तो उन्होंने मुझे मेरी एक ड्यूटी लगाई है, आज उसी पे ब्लॉग बनाते हैं। देखते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ इस ब्लॉग में। ओके, शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे लैंडलॉर्ड्स मुझे इंडिया से जानते हैं, तो जानकारी के नाते उन्होंने मेरे को कहा कि तेरे दो काम है हमारे इंडिया जाने के बाद। एक मैं कर चुका, वो मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया उनके लिए। छोटा सा काम है, ज़्यादा नहीं, वो भी वीडियो बना देंगे उसकी भी। लेकिन आज का जो है वो मेन इंपॉर्टेंट काम है, वो जो गार्बेज बिन देख रहा है मेरे पीछे ब्लैक कलर का, इसको हमने उठा के वहाँ रखना है। वो पेड़ दिख रहा है आपको वीडियो में, दिख रहा होगा, मैंने जूम एंगल पे बना, वाइड एंगल पे बना रखी है वीडियो, वो कोने पे वहाँ पेड़ के पास रखना है इसको, ताकि सुबह जो है गार्बेज बिन पिक करने वाला ट्रक आता है हर वीक, तो थर्सडे टू थर्सडे आता है, तो वो सुबह आके ले जाएगा उसको और यहाँ पे वापस छोड़ जाएगा। तो हमें अभी रात का काम करने की बाहर रख के आए हैं वहाँ पे एंड तक, तो चलते हैं, शुरू कर देते हैं फटाफट, इससे पहले कि अगर ये मिस हो गया तो दिक्कत है, क्योंकि अगली बार जो होगा यहाँ पे क्या होता है, एक दिन मतलब एक वीक गार्बेज बिन पिक करने वाले आते हैं और दूसरे टाइम जो आते हैं वो रिसाइकिल बिन पिक करने वाले आते हैं। रिसाइकिल भी आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, तो शुरू कर देते हैं फटाफट वीडियो को। ऐसा होता है जी, रिसाइकिल बिन, उस पर लिखा होता है रिसाइकलिंग, और यहाँ पे हर बॉक्स के पीछे आपका एड्रेस लिखा होता है। अभी इस पर नहीं है, पर हर बॉक्स के ऐसे गार्बेज बिन के पीछे या फिर रिसाइकल बिन के पीछे आपका एड्रेस होता है, जिससे पता लगता है कि ये जो है गार्बेज बिन आपके हैं, कोई और नहीं यूज़ कर सकता उसको। मेरे बालों को इग्नोर करना, क्योंकि पिछले आठ महीने से मैंने बाल कटाए नहीं, क्योंकि सब बंद है यहाँ पे ब्रैम्पटन में। 12 अप्रैल से खुलने वाला था, बट खुलेगा नहीं क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है दोबारा, आज रात को हो जाएगा। आज इन भाई साहब की बारी है, इनको जरा ठिकाने लगा के आते हैं, फिर करते हैं बात आपसे। जैसे मैंने अपने घर का ये रख दिया यहाँ पे, ऐसे ही आप लोगों के घर के बाहर देखना, लोगों ने अपने घर के भी बाहर रखे हुए, देखो वो दो रखे हुए, ये रखा हुआ, ऐसे ही वहाँ पे भी अभी थोड़ी देर में लोग सब अपने अपने कूड़े, सब अपने अपने गार्बेज बिन बाहर रख देंगे। मैं कहाँ बैठा हूँ अपने गार्बेज बिन के साथ। सो, ये मैंने काम कर दिया है, अब यहाँ पर सुबह गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी। अब ये काम और करना है, इसको खोल के रखना है उल्टी तरफ, सो वो भी कर देंगे, बाकी मेन काम तो हो गया। अगर मैं ये काम ना करता तो क्या होता, वो मिस हो जाता और नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे का नंबर होता, इतनी देर में ये फिर दोबारा फिल हो जाता, ऑलरेडी भरा हुआ ये। अगर मैं इस बार बाहर ना रखता इसको तो रिसाइकिल का नंबर था नेक्स्ट टाइम, तो वो फिर जाता नहीं, तो कूड़ा इसमें पड़ा रह जाता। तो भाई साहब जी को मैंने बाहर रख दिया और मैं यहाँ पर नीचे बैठ गया प्यार से, और बस कुछ स्पेशल नहीं किया आज, बस यही वीडियो रिकॉर्ड करिए। सो, मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको पता लग गया होगा कि कनाडा में कूड़ा कैसे उठाया जाता है। एंड ये सिर्फ ब्रैम्पटन या फिर लाइक पील रीजन की बात मेरे को पता है, मेरे को ये नहीं पता कि बाकी सिटीज़ में और बाकी स्टेट्स में कैसे काम होता है कनाडा में, तो ब्रैम्पटन का मुझे पता है तो मैंने बता दिया आपको। तो जो लोग ब्रैम्पटन आ रहे हैं वो लोग ये चीज़ हर वीक नोटिस करेंगे कि कभी आप ये वाला रख रहे हो, कभी रिसाइकल बिन वाला रख रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जिसको पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, आगे ऐसे ही ब्लॉग्स बनाते रहेंगे।